सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू गाजा? क्योंकि हमने ये भी पिछले दिनों में बड़ा सुना था कि एड और डॉक्टर्स और सप्लाईज और ये सारी चीजें वहां पर नहीं है, क्योंकि उनको भी जाने नहीं देते, रास्ता रोकते हैं, तंग करते हैं, तो वो बेसिकली तो चाह नहीं रहे कि उन लोगों के लिए कोई भी मदद के लिए जाए. आप कैसे पहुंचे? वॉज इट डिफिकल्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं गया था तकरीबन 2.5 माह पहले, तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल ट्रिप्स टू गो। तो WHO के थ्रू हुआ था, हम इजिप्ट के जरिए से गए थे, रफा क्रॉसिंग से, और फिर हम रफा गए थे, बल्कि यूरोपियन गाजा अस्पताल में। तो वहां पर जो सूरत हाल आपने देखी, हम चाहेंगे कि अगर आप हमें वो बता सकें कि क्या सिचुएशन थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बंदा एंटर होता है गजा, तो रफा के थ्रू जाना होता है, और जो इजिप्शियन साइड है वहाँ पर तकरीबन 2-3 माइल्स की एयर ट्रक्स मौजूद हैं जिनके पास इजाज़त नहीं है एंटर होने की। एक तो इसराइली इजाज़त नहीं देते, ऊपर से इजिप्शियन खुद भी एंटर होने नहीं देते, और जब अच्छा, चीज़ें एंटर होती भी हैं तो उसमें से जानबूझ के ऐसे करते हैं कि 80% एयर जो एंटर होता है वो पानी हो, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल सके फलस्तीनियों को। तो बहरहाल जब हम फाइनली पहुंचे वहां पर, तो बॉम्बिंग वो तकरीबन पूरी रात करते हैं पर्पसली, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो वहां के लोगों पर, जब अपना सोने की कोशिश करता है तो खौफ में आए और मौत के बारे में ही सोच सके और कुछ सोच ना सके। तो जब वहां पहुंचे तो अस्पताल में तकरीबन 25,000 लोग अस्पताल के अंदर रहते हैं, हॉलवेज में सोते हैं, सीढ़ियों में सोते हैं, बाहर टेंट्स लगाए हुए हैं, बाज़ लोगों ने पार्टीशन की हुई किसी कपड़े से, बाज़ लोग जमीन पर सो रहे होते हैं। तो वहाँ जो हालात है काफ़ी ख़राब है। और आप जो हस्पतालों की सिचुएशन है वो भी अगर आप हमसे शेयर करें, सप्लाईज की, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो क्योंकि जाहिर है जो कितनी बातें वहां सामने आ रही पर. थी वो तो ये थी कि जी एनेस्थेसिया भी रही है और ज़मीनों पर ऑपरेशंस हो बिल्कुल रहे हैं, किसी भी किस्म की ऐसे मेडिकल, खासतौर पर शिफा हॉस्पिटल का जब हमने देखा कि अब तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है. वो अस्पताल तो कुछ ज़्यादा ही तबाह कर दिया है, उसकी तो कोई हद नहीं है, लेकिन हत्ता शिफा अस्पताल की तो ज़मीनों से लाशें निकली हैं वहाँ जी पर जो सब कर रहे हैं, तो शिफा अस्पताल का वाकई बहुत बुरा हाल हुआ है। हत्ता जो गज़ा यूरोपियन हॉस्पिटल था जिसमें मैं था, वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ था वो, तो अगर खुदा ना खास्ता हमें इवैक्यूएट करना हो तो वहाँ से हम थोड़ा नज़दीक पड़ेगी इजिप्ट के। तो जी वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज बहुत लिमिटेड हैं, हत्ता जब सर्जन्स थे वो जब बेहोश करके सर्जरी करते थे उनके पास इनफ मेडिकेशन ही थी पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए, तो वो फिर कोई नया तरीका सोचते थे या कुछ ऐसा कुछ करते जहाँ पर वो बंदे के मिसाल के तौर पर अगर टांग पे ऑपरेशन होनी है तो वो जो नर्व जाती है उसको ब्लॉक कर देते थे तो बंदे को तकलीफ ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी सप्लाईज लिमिटेड थी। और मैंने खुद ER में पेशेंट्स आए हैं जिनकी ऐसा लंग कलेप्स हुआ हुआ है, और ज़मीन पे मैंने बकायदा बंदे का ऑपरेशन किया खुद ही ER के अंदर। तो अच्छा, और मेजोरिटी जो आते भी हैं वो बच्चे होते हैं और औरतें होती हैं, उन तो बच्चों हत्या का एक क्या और हाल होता है? किस किस तरह के जख्म उन पर आपने देखे? जी, जख्म काफ़ी शदीद थे, हत्या के बाज़ के सर फटे हुए थे, बाजू कटे हुए थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 5 छोटे बच्चे एक टाइम पे आए थे, मरे हुए थे, तो उनके माँ बाप रो रहे थे। बाज के वुंड्स से कीड़े निकल रहे थे क्योंकि इतने पुराने वुंड्स से उसकी सफिशिएंट कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थी, तो बाज वेंटिलेटर पे बैठे हुए 2-2 माह, और सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते थे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता था, इस तरह की सूरत हाल थी। अच्छा, क्या हम कितना नंबर ये देखते थे बच्चों का कि जिनके वालिदैन का पता नहीं होता था कि उनके वालिदैन क्या है, कहाँ हैं, और वो आपके पास है भी हॉस्पिटल या में नहीं? पहुँचते थे, उनके बारे में नहीं पता चलता था कि वो जिंदा है नहीं है, या उनकी लोकेशंस नहीं पता होती थी लोगों को? इतने केसेस हैं कि लिमिटेड है तकरीबन। अब मैं आपको कौन से केसेस बताऊं जो जहन में आती है सबसे पहले, मैं वही बता सकता है, लेकिन बाज़ तो वहाँ अस्पताल में खुद वॉलंटियर करते हैं जवान लड़के, क्योंकि उनके पास उनके माँ बाप डिस्प्लेस हो गए हैं या उनके खबर नहीं है कहाँ पर हैं, मरे हैं जिंदा हैं। बिल्कुल. तो बेसिकली 1 टाइम ए डे उनको मील मिलता था, अस्पताल में वॉलंटियर करते थे,
सर कितने कितने केसेस हैं, बंदा आप कहाँ से शुरू करे, कहाँ से क्या पूछे? उनका खाने जज्बा पीने है, की, उनका हाँ जज्बा क्या था? देखें, वो तो हम सब जानते हैं कि वहां पर बर्बरियत की, जुल्म की इंतहा हो रही है, लेकिन हम कुछ वीडियोस देखते हैं जिससे हमें अंदाजा होता है कि दे आर वेरी रेजिलियंट, और उनका ताल्लुक उनके दीन के साथ, उनके मजहब के साथ भी है, और अभी भी वो लड़ने का जज्बा जो है वो उनके अंदर मौजूद है। देखें, जब इंसान का जो जो दीन और ईमान होता है ना, जब स्ट्रांग होता है तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उस इंसान को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ के जो फलस्तीनी हैं उनका वाकई जज्बा बहुत है, और खुदा पे यकीन बहुत है, और जो वहाँ पे जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो वाकई ज़मीन में लड़ रहे हैं। अब खुद सोचें, एक इंसान जिसके पास पूरी दुनिया से कट ऑफ हुआ हुआ है, और अमेरिका जैसे हम लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जो आज दुनिया में सुपर पावर माना जाता है, और खुद वहाँ खड़ा होके उन मिसाइलों से लड़ना, उन गोलियों से लड़ना, उन टैंकों से लड़ना, और आज दिन तक लड़ना, वाकई एक ईमान की वजह से ये काम होता है। अच्छा ये बताएं कि खाने पीने की क्या सूरत हाल है वहां पर। जाहिर है एक तरफ तो मेडिकल सप्लाईज तो बहुत ही लिमिटेड है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि खाना पीना भी नहीं है। लोग जो हैं वो घास को पानी में उबाल के उसकी खुशबू को सूंघ कर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह उनकी भूख में कुछ कमी वाकई हो रही है। तो खाने पीने की आपने क्या स्टोरी सुनी, क्या आपका अपना मुशाहिदा था, व्हाट वर यू ऑब्जर्विंग देयर? अब जो आपने तो बात खुद ही कह दी है, मैं यही कहने वाला था, वहाँ खाने पीने के लोग बकायदा घास खा रहे हैं, रमजान में तो लोग अपना रोजा घास से खोल रहे थे और पानी के साथ मिक्स करके। हत्ता मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खुद फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं। एक एक बंदा है, वो खुद यूरोलॉजिस्ट था, उसकी बीवी पैथोलॉजिस्ट थी, और उनके पास चॉकलेट नहीं था अपनी बेटी को देने के लिए। मेरे कमरे में आके मेरे से चॉकलेट मांग रहा था बेचारा। अब वो तो खुद एक फिजिशियन था, उसकी एक नॉर्मल लाइफ थी, उसकी वो ईद बकरा ईद थे, वो कुर्बानियाँ करते थे। तो आज दूर की बात है, वो तो बेचारा चॉकलेट नहीं अपनी बेटी को दे पाता, रोटी उनको मुश्किल से मिलती है दिन में एक बार। तो वहां पे तो लोग भूख से मर रहे हैं, तो ऐसे ही है। अच्छा, कहाँ कहाँ से डॉक्टर्स, जिस तरह आप वहां पर गए, कहाँ कहाँ से डॉक्टर्स आए हुए हैं वहां पर और काम कर रहे हैं, और उन डॉक्टर्स के क्या जज्बात हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई? तो मैं गया था अमेरिका से, मैं डेयरबोर्न मिशिगन में रहता हूँ, जिसका आजकल पूरी दुनिया में थोड़ा आपने शायद सुना होगा, बातें चल रही हैं एज जिहादी कैपिटल ऑफ अमेरिका। पर प्रोटेस्ट हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन इनको पता है क्योंकि मुसलमान है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा जलन हुई है मुझे लगता है। हत्ता अमेरिका में बड़े 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 प्रोटेस्ट हुए हैं, आप वाशिंगटन डीसी देखें, 300,000 लोग मौजूद थे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वाशिंगटन डीसी को तो किसी ने नहीं कहा जिहादी कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो बहरहाल हम यहाँ से गए थे, डेबोन से मैं गया था, फिर बास और फिजिशियंस भी गए थे अमेरिका से। एक हमारे साथ एक फ्रांस का भी बंदा था और जॉर्डन का भी बंदा था, और काफ़ी ममालिक से लोग जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अब बम्बार्डमेंट कुछ ज़्यादा हो गई थी गजा में, और अभी ईरान का अटैक भी हुआ था, तो जी अब देखते हैं क्या होता है। ठीक तो है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिस तरह आपने कहा कि भाई आप तो जिहादी कैपिटल ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि जर्मनी में इस्लामोफोबिक हेट क्राइम्स में इजाफा हुआ है, आप लोगों की तरफ कोई इस तरह का मामला? जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ये। यहाँ पर जो अलकुद्स का प्रोटेस्ट हुआ था, अलकुद्स का प्रोटेस्ट इमाम जी खुमैनी ने किया था आज से कोई 40 साल पहले जी तकरीबन, वो लास्ट फ्राइडे, हर रमज़ान के लास्ट फ्राइडे पे होता है फलस्तीनियों के लिए। जी तो यहाँ पर हम हर साल करते हैं, हम क्या पूरी दुनिया में करते हैं। तो डेयरबोर्न में उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया था हमें, और आई वॉज अ गेस्ट स्पीकर एक्चुअली इन दैट, बिकॉज आई वॉज आई विटनेस ऑफ व्हाट हैपेंड इन अलकुद्स। तो स्पेसिफिकली टारगेट किया था, और इस बात को काफ़ी अभी काफ़ी गर्म हुई है बात, हत्ता फॉक्स न्यूज़ में आया था, हिंदू टाइम्स में आया था, पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स में हमारा प्रोटेस्ट आया था, हत्ता पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होता है। बस वजह ये क्योंकि हम मुसलमान हैं, और या मुस्लिम तादाद यहाँ ज़्यादा है। तो अच्छा हाउ यूएस डिफिकल्ट इज इट में, टू सर्वाइव? हाँ, और हेट क्राइम को भी मैं पूछना चाहूंगी कि इस सारे सिचुएशन जब ये डेवलप हुई जेनोसाइड की गजा में, तो उसके बाद मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज में हेट क्राइम मुस्लिम्स के अगेंस्ट भी बहुत बढ़ गया, यूएस के भी बड़े केसेस आए, यूके के भी आए। हाउ ऑफन हैव यू हर्ड कि भाई ये भी एक हेट क्राइम हुआ है और इस सिचुएशन से अराइज हुआ है, ट्रिगर हुआ है मुस्लिम के जी अगेंस्ट? जी है। अब जो खास तौर पे ये जो जर्नलिस्ट जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना, ये सबसे ज्यादा मसला यही है, क्योंकि जब ये आर्टिकल ऐसा लिखते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल होता है, फिर यहाँ के जो लोग हैं जिनको असल में पता नहीं होता क्या हो रहा है फलस्तीन में, क्योंकि यहाँ के सीएनएन देखते हैं, बीबीसी देखते हैं, तो वो असल बात तो बताते तो नहीं है, तो फिर हेट क्राइम्स पैदा होते हैं।
और बंदा बस यू हैव टू बी रेजिलियंट। आप देखिए फलस्तीन में बम्बारमेंट हो रही है, वो अभी भी लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत हेट क्राइम को अगर हम फाइट नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं मुसलमान हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली मखदूम साहब हमारे साथ मौजूद थे।